विषम परिस्थिति में वृद्ध पति और पत्नी की हुई मौत। बरसठी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम रिपोर्ट के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया। आपको बता दें कि बरसठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा हरिद्वारी के सेखनपुर गांव में रामदेव गौतम उम्र 85 वर्ष और उनकी पत्नी जयंती देवी जिनकी उम्र 80 वर्ष है, दोनों की अज्ञात कारणों से जल जाने के कारण मृत्यु हो गई। बहू प्रमिला देवी का कहना है कि जब मैं रात में दोनों को खाना देकर चली गई, दोनों खाना खाकर कच्चे मकान में सोए हुए थे। सुबह 7 बजे जब मैं चाय लेकर पहुंची तो मैंने देखा कि दरवाजा बंद है। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा जब नहीं खुला तो मैंने गांव वालों से बताया। गांव वालों ने किसी तरीके से दरवाजा तोड़ा तो देखा घर में दोनों बहुत बुरी तरीके से जल चुके थे और मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसकी सूचना थाना प्रभारी श्याम दास वर्मा को दी गई। मौके पर पहुंचे बरसठी थाना प्रभारी श्यामधर वर्मा एवं सीओ संत प्रसाद उपाध्याय शव को कब्जे में लेकर पीएम रिपोर्ट के लिए मर्चरी हाउस भेज दिए और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। घर के अंदर मिट्टी का तेल और माचिस भी बरामद हुआ है, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि मौत का कारण आत्महत्या भी हो सकता है। जबकि मृतकों के एक बहू प्रमिला जिनकी उम्र 50 वर्ष है और एक नातिन पूजा जिनकी उम्र 18 वर्ष है किसी तरीके से मजदूरी कर अपना जीविका चलाते हैं। मणियाहू से कपिल देव सिंह की रिपोर्ट।